अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ व्यूवर्स को, अजीज़ किचन में वेलकम। तो आज हम बना रहे हैं मार्बल केक, तो वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, हम एक अदद लेंगे बाउल और उसमें डालेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल और हाफ कप ही जाएगी पिसी हुई चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और हाफ चम्मच जाएगा इसमें वनीला एसेंस। देखें ये थिक होना शुरू हो गया। अब इसमें जाएगा हाफ कप दूध, जो कि मैं आधा अब डालूंगी और आधा बाद में इस्तेमाल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि केक बनाने के लिए तमाम अशिया को रूम टेम्परेचर पे लेना होता है। अब इसमें जाएगा एक कप मैदा, जिसको हम छान लेंगे। और व्यूअर्स, एक चम्मच जाएगा बेकिंग पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये जो मैंने दूध बचा के रखा हुआ था, इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ना ज़्यादा पतला हो बैटर और ना ज़्यादा गहरा हो। व्यूअर्स, अब हम इस बैटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। व्यूअर्स, बैटर को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। अब एक बैटर में जाएगा 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने जो थोड़ा सा दूध बचा लिया था, वो अब इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब हम एक बर्तन लेंगे और ऑयल के साथ उसको अच्छी तरह अंदर से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा बटर पेपर, जिसको मैंने बर्तन के साइज़ का काट लिया था। आप चाहें तो इसकी जगह पे कॉपी का कागज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तन के दरमियान में 2 टेबलस्पून जाएगा वाइट बैटर। अब हम इसको टैप टैप कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जाएगा कोको पाउडर वाला बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे दोबारा टैप टैप कर लेंगे। अब फिर से इसके ऊपर जाएगा वाइट बैटर। व्यूअर्स, आपने इसी तरह लेयर्स बनाते जाना है। लेयर्स हमने लगा ली है, अब हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बात याद रखनी है, जो स्टिक आपने एक दफ़ा इस्तेमाल की है, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। हर लाइन लगाने के लिए हर मर्तबा नई स्टिक यूज़ करनी होगी या फिर उसको साफ करना होगा। देखिए, को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। अब इसमें जाएगा स्टैंड और इसके ऊपर रखेंगे अपना बर्तन। अब हम 35 से 40 मिनट के लिए इसे ऊपर से ढांप देंगे।
और ऊपर कोई वजनी चीज़ रख देंगे। बिस्मिल्लाह। 45 से 50 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपना केक चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, केक हमारा अच्छी तरह फूल चुका है, अब इसे चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं सिलाई हमारी बिल्कुल खुश्क है, इसका मतलब है कि केक रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नाइफ़ की मदद से किनारों को अलग कर लेते हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, केक हमारा रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। बनाना बहुत इजी है, आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।